वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के जैक बोर्ड के 2023 के JCERT रांची द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र, उसके इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव एक सेट को लेकर आपको बताने आ रहे हैं। इसमें देखिए बहुत सारी परेशानियां होती हैं आपको, तो हम उस परेशानी को आपको कैसे इजी वे में आप उससे मतलब दूर कर सको और सही आंसर दे सको, इसकी हम चर्चा करते हैं। चलो इसको पढ़ो इसको, ये पैसेज पढ़ इस पैसेज को। देख, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स एंड 4 ऑप्शंस। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। ध्यान से सुनिए, इंडिया। दिस वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग मीडोज ऑफ अल्पाइन फ्लावर्स। मैरिड अल्पाइन फ्लावर्स मेक दिस प्लेस अ कलरफुल पैराडाइज। दिस ब्यूटिफुल वैली इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ इट्स प्रेस्टाइन ब्यूटी एंड मिस्टिकल सराउंडिंग्स विच अट्रैक्ट्स नेचर लवर्स, फोटोग्राफर्स एंड बोटेनिस्ट्स। वैली ऑफ फ्लावर इज bifurcated by Pushpavati River. This valley is one of the famous trekking destination in India. The Valley of Flowers is a 3 km climb from Ghagharia. One cannot stay at the Valley of Flowers, therefore Ghagharia remains the ideal place to relax and sleep. The valley is covered with snow for most of the year. It opens on 1st June every year for visitors. ये तो पहले रीडिंग, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये फूलों की घाटी जो है एक नेशनल पार्क है इंडिया में। द वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग मीडोज ऑफ अल्पाइन फ्लावर्स। ये घाटी जो है प्रसिद्ध है अपने सुंदर अल्पाइन फूलों की घाटी के लिए। मैरियट अल्पाइन फ्लावर्स मेक दिस प्लेस अ कलरफुल पैराडाइज। और ये मैरियट ये फ्लावर जो है इस जगह को स्वर्ग, रंगीन स्वर्ग बना देता है। दिस ब्यूटिफुल वैली इज ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ इट्स प्रेस्टाइन ब्यूटी एंड मिस्टिकल सराउंडिंग्स विच अट्रैक्ट्स द नेचर लवर्स, फोटोग्राफर्स एंड बोटेनिस्ट। ये जो वैली है ये वर्ल्ड हेरिटेज विश्व की धरोहर है विथ प्रेस्टाइन ब्यूटी, इसकी खूबसूरत सुंदरता के लिए। और आसपास जो इसके चारों ओर जो प्रकृति के नज़ारे हैं, विच अट्रैक्ट्स, ये जो अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है प्रकृति के प्रेमी को, फोटोग्राफर को और बोटेनिस्ट को, जो कि वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। वैली ऑफ फ्लावर इज bifurcated by Pushpavati। ये जो फ्लावर वैली है उसको 2 भाग में बांटता है। कौन सा बांटता है? पुष्पवती रिवर बांटता है। दिस वैली इज वन ऑफ द फेमस ट्रेकिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया। ये फेमस ट्रेकिंग डेस्टिनेशन भी है इंडिया का। द वैली ऑफ फ्लावर इज अ 3 किलोमीटर क्लाइंब फ्रॉम घगरिया। ये वैली ऑफ फ्लावर जो है 3 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई है घगरिया से। वन कैनॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स। लेकिन आपको बता दूं कि एक भी व्यक्ति वैली ऑफ फ्लावर्स में टिक नहीं सकता, इसलिए घगरिया रिमेंस द आइडियल प्लेस टू। और घगरिया जो है वो एक आदर्श जगह है
आराम करने के लिए। द वैली इज कवर्ड विथ स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, और ये जो वैली है ये पूरे साल भर बर्फ से ढका होता है। इट ओपन्स ऑन 1 जून एवरी ईयर फॉर विजिटर्स, और ये केवल 1 जून को, 1 जून से खुलता है विजिटर्स के लिए। ऑप्शन से पहला क्वेश्चन है द वैली ऑफ फ्लावर इज इन, तो ये उत्तराखंड में है, आपने पढ़ा वहां पर लिखा हुआ उत्तराखंड में। व्हाई इज दिस वैली फेमस फॉर, तो पुष्पति रिवर के लिए नहीं है, गंगा रिवर के लिए नहीं, सनफ्लावर के लिए, अल्पाइन फ्लावर के लिए है। व्हाई दिस वैली इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बिकॉज इट्स अ प्रिस्टाइन ब्यूटी, बिकॉज इट्स मिस्टिकल सराउंडिंग्स, तो ये दोनों है इसमें, इसलिए ये सी होगा इसका ऑप्शन। चलिए, द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घागरिया बिकॉज द वैली ऑफ फ्लावर इज अ हॉन्टेड प्लेस, वन कैनॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स। ये तो बी तो होगा ही, क्योंकि वह वैली ऑफ फ्लावर्स में एक कोई आदमी टिक नहीं सकता। घागरिया इज एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स, ये आपके पैसेज में लिखा हुआ है, ये दोनों बी और सी। अगला, वेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन फॉर द विजिटर्स, ये 1 जून को, ये यहां पर लिखा हुआ था 1 जून, ये देखिए, ठीक है। अगला, When does the Valley of Flowers open for the visitors? ये तो हो गया। Which word means divided into separate parts? अभी देखिए यहाँ पर लिखा था वो जो river है पुष्पवती river, वो बांटता है, तो उसके लिए क्या लिखा था? Bifurcated, बांटता है। ये इसका होगा जो है separate का bifurcated। Next है the antonym of repel। Repel का होता है द एंटोनिम रिपेल का उल्टा, रिपेल माने झटकना, तो रिपेल का उल्टा है आकर्षित करना, अट्रैक्ट। वैली ऑफ फ्लावर इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इन इंडिया, सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट, वैली ऑफ फ्लावर इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, देखो इज लगा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके पूरे के पूरे जो है आपके 8 मार्क्स मिल जाएंगे। और मेरे वीडियो को पूरा देखते रहिए, हम इसी प्रकार से आपको एक एक मार्क्स कैसे आपके आए हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।